हाय, दिस इज रहीम जुल्फिकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम पावर बीआई के एक विजुअलाइजेशन टूल या ऑब्जेक्ट, जिसे आप कह लें, उसकी हम बात करेंगे। दैट इज डीकम्पोजिशन ट्री। और मैं कोशिश करूँगा कि जो फंडामेंटल्स हैं डीकम्पोजिशन ट्री को ड्रॉ करने के और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, इस वीडियो में मैं उसको कवर करूँ, ताकि आप आसानी से एक बहुत ही इंटरैक्टिव डीकम्पोजिशन ट्री की विजुअलाइजेशन को अपने डैशबोर्ड्स में क्रिएट कर सकें। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के अंदर अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड विजुअलाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट ने हमें देना स्टार्ट कर दिया। तो उसको ज़रा समझते हैं कि ये है क्या। मैंने एक microsoft.com का ऑफिशियल लिंक इस वक्त ओपन करके रखा है, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट एंड व्यू डीकम्पोजिशन ट्री विजुअल्स इन पावर बीआई। बेसिकली ये डीकम्पोजिशन ट्री आप एडहॉक एक्सप्लोरेशन, या आपको अगर रूट कॉज एनालिसिस करनी हो अपने डेटा से रिलेटेड, तो आप बआसानी जो है वो उसको कर सकते हैं, रादर देन कि आप इस तरह की विजुअलाइजेशन को अगर कभी आपने एक्सेल में क्रिएट किया। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा होगा, बट रादर देन क्रिएटिंग इन सम बीआई एप्लीकेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स, ड्राइंग एस्पेक्ट्स बता देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ एक डेटा सेट पे, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। और फिर हम आर्टिकल से रिलेटेड, जो माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो मैंने सिंपली एक एक्सेल की फाइल का डेटाबेस पहले इम्पोर्ट किया है, जो कि आप पावर बी आई की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एक्सेल के ऑप्शन पे जाएंगे, या अगर किसी और डेटा सोर्स से आप डेटा लाना चाहते हो, उस डेटा सोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे। और इस वक्त मेरे पास जो सिचुएशन है, उसमें एक एक्सेल की वर्कबुक है, जिसमें एक टेबल है, टेबल 1, जिसमें कुछ मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, यानी मेरे पास एक डेटा है जो सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं कुछ रूट कॉज एनालिसिस करना चाहता हूँ, सेल्स को डिफरेंट पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स से देखना चाहता हूँ, कि किस तरह से वो सेल्स हो रही है और उसमें कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है। सो लेट सपोज अगर हम एक प्राइमरीली बेसिस पे एक चार्ट ड्रॉ करें, दैट इज बार चार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स यूएसडी को ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ उस कैनवास पे। ठीक है, और मेरे पास एक और कॉलम है मंथ का, जो एज अ टेक्स्ट है मेरे पास, जिसमें डिफरेंट मंथ्स है। तो मेरे पास एक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, मैं कॉलम चार्ट की जगह इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एज अ बार चार्ट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं आपके पास एक बार चार्ट क्रिएट हो चुका है, और मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ अपनी से स्क्रीन पर। सो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक की एक पोजीशन यहाँ पर पता चल रही है, कि मंथ वाइज मेरी जो सेल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मंथ, मतलब कितनी हुई है। ठीक है, तो अब मैं इस टोटल सेल्स को, यानी मैं पूरे साल की सेल्स को और जितनी भी ईयर्स इसमें मौजूद हैं, टोटल सेल्स को जो मेरे डेटाबेस में, उसको मैं डिकम्पोज करके देखना चाहता हूँ कि उसमें जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसकी लिंकेजेस कैसे हैं। तो मैं रूट कॉज एनालिसिस की तरफ बढ़ूंगा, उसको करने के लिए कैसे आप डिकम्पोजिशन ट्री को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं जो इस वक्त पावर बीआई का वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ दिसंबर 2019। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं दिसंबर 2019 का अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। डीकम्पोजिशन ट्री बेसिकली नवंबर 2019 मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आपके पास नवंबर से पहले का कोई वर्जन है पावर बीआई का, तो ये फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपने इस डेस्कटॉप वर्जन को अपडेट कर दिया। अच्छा जी, तो डीकम्पोजिशन ट्री क्रिएट कैसे होगा? लेट्स से कि मैं सिंपली डीकम्पोजिशन ट्री का जो विजुअलाइजेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे कैनवास पे इस वक्त आ चुका है एज अ ब्लैंक। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, और अब हम इसमें चीज़ों को पुट करेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे इसमें, कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ किया है, तो आपके पास जो ये फील्ड्स का जो एरिया है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है एनालाइज और दूसरी है एक्सप्लेन बाय। एनालाइज में आप अपने टेबल से रिलेटेड जो भी फील्ड को प्लॉट करेंगे यहाँ पर एनालाइज में, तो इस पे एग्रीगेशन कैलकुलेट हो जाएगी। एग्रीगेशन से मुराद के कोई कैलकुलेशन सम है, एवरेज है। ठीक है, और
फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने डीकम्पोजिशन ट्री में, फॉर एग्जाम्पल रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ठीक है जी, सेल्स पर्सन वाइज, चैनल पार्टनर्स वाइज, सप्लायर वाइज, मंथ वाइज, ठीक है, जितना आप ड्रिल थ्रू करना चाहें इस डीकम्पोजिशन लेयर के अंदर। तो एक फील्ड को आप एनालाइज में प्लॉट करते हैं और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स को आपको देखना होता है वो आप एक्सप्लेन में रखते हैं, ठीक है। तो लेट से सेल्स को हमने ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया आइदर इस ऑब्जेक्ट में, या फिर मैं उसको एनालाइज में भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो देखें, जैसे ही मैंने इसको सेल्स यूएसडी, जो मेरी एक फील्ड है, उसको मैंने एनालाइज में प्लॉट किया, तो मुझे टोटल सेल्स पता चल रही है और एक एक बार यहाँ पे क्रिएट हुई भी ब्लू कलर की, ठीक है। अच्छा, जितने भी एस्पेक्ट्स फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जैसे इसका कलर ब्लू है या इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस फॉर्मेटिंग एरिया में मिल जाएंगी, जिसे आप चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो का मकसद है कि आपको डीकम्पोजिशन ट्री को एक्सप्लेन करना कि वो पावर बीआई में कितना हेल्पफुल है आपकी एडहॉक एनालिसिस या रूट कॉज एनालिसिस के लिए। तो आप देखें, सेल्स यूएसडी तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एक एक टोटल अमाउंट मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस सेल्स को अपनी मैनेजमेंट के लिए। मैं इसको रीजन वाइज, यानी मैं रीजन की फील्ड को एक्सप्लेन बाय मैं प्लॉट करता हूँ। जैसे मैंने प्लॉट किया, एक प्लस का साइन बना हुआ आ गया मेरे पास इस बार के आगे, ठीक है, रीजन। इसके अलावा मैं प्रोडक्ट्स वाइज भी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, देन मैं चैनल पार्टनर वाइज भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और लास्ट मैं एज अ मंथ वाइज भी देखना चाहूँगा। आप, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन बाय मैं चार कैटेगरीज यानी चार एट्रीब्यूट्स को प्लॉट किया है, आप चार से ज़्यादा भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से डिकम्पोज होगा, यानी मेरा जो सेल्स का नंबर है वो कैसे डिकम्पोज होगा। मैं प्लस की साइन पर जैसे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक कॉन्टेक्चुअल मेन्यू आ जाएगा जिसमें सबसे टॉप पर दो ऑप्शंस हैं, हाई वैल्यू लो वैल्यू, कि किस तरह से मुझे डेटा देखना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, और कौन सा एट्रीब्यूट मैं पहले सेलेक्ट करूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं रीजन पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि वो जो सेल्स की एक अमाउंट है वो मेरे डेटाबेस में चार रीजन से उसमें स्प्लिट हो गई और हाईएस्ट टू लोवेस्ट डेटा सॉर्ट हुआ हुआ है। इंटरेस्टिंग, राइट। अब ये चारों रीजन्स के आगे, यानी इनकी बार्स के आगे, मेरे पास अगेन प्लस का साइन है कि मैं अब और कितना डिकम्पोज, फॉर एग्जाम्पल मैं अफ्रीका को और ज़्यादा डिकम्पोज करके देखना चाहता हूँ एज अ प्रोडक्ट, के इस अफ्रीका की जो अमाउंट है इसको आप प्रोडक्ट वाइज डिकम्पोज करें। तो जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं अब कि आपके पास पहले टोटल सेल्स, और फिर अब देखिए ये रीजन और सेल्स के दरमियान एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ हो गई है, दैट इज द नोड, ठीक है, जिसे हम नोड कहते हैं। और डिफरेंट नोड्स होती हैं, रूट नोड्स में आपके पास पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। बहरहाल, अब जब मैंने अफ्रीका को स्प्लिट किया डिकम्पोज के इनटू प्रोडक्ट्स, तो अफ्रीका का ये जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, जो अमाउंट नज़र आ रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे वो यहाँ पर डिकम्पोज हो गए हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फिर अगेन, अब हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को भी, ये जो आइस क्यूब है इसको हम चैनल पार्टनर वाइज डिकम्पोज करें, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से जो है वो चैनल वाइज ये डिकम्पोज हो गया। और फिर लेट सपोज ये जो फिफ्थ प्रोडक्ट है ए सी एम ई कॉप, इसको हम मंथ वाइज देखना चाहते हैं, तो अब हमारे पास मंथ वाइज ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि आप एक डिकम्पोजिशन देख रहे हैं सर्टेन एट्रीब्यूट्स के थ्रू, और आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि लेट सपोज ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक बार चार्ट नज़र आ रहा है जो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है मंथ वाइज, अगर मैं किसी भी मंथ पे क्लिक करूंगा तो आपका ये जो डिकम्पोजिशन ट्री है ये भी इंटरएक्टिवली चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अक्टूबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट नोड्स बन रहे हैं और डेटा फिल्टर हो रहा है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नवंबर पे क्लिक किया, या लेट सपोज जून पर मैं क्लिक करता हूँ, सो इंटरएक्टिव है। और साथ ही साथ आप, आपके इस डिकम्पोजिशन ट्री के अंदर आप किसी भी एट्रीब्यूट पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो वो भी बहुत ही इंटरएक्टिवली स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर पे क्लिक किया तो ये बार चार्ट में सिर्फ इस अक्टूबर का थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो मुझे नजर आ रहा है बेस्ड ऑन माई दिस डिकम्पोजिशन लेयर एंड नोड, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दी रूट कॉज एनालिसिस। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेबसाइट के आर्टिकल के ऊपर इसको बड़ी
जबरदस्त दो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया, जिसमें एक एग्जांपल सप्लाई चेन से रिलेटेड है, जिसमें वो एनालाइज करते हैं कि जी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं अगर वो बैक ऑर्डर में यानी आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो कैसे जो है वो आप डिकम्पोजिशन ट्री के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं और इसकी डिटेल्ड दिखा सकते हैं मैनेजमेंट को। तो उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन बाय में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को प्लॉट किया, जिसमें ब्रांड, रीजन, शिपमेंट टाइप, बायर टाइप, फोकास्ट एक्यूरेसी, डिमांड टाइप, प्लांट्स, ठीक है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिकम्पोजिशन लेयर में रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिकम्पोजिशन लेयर में रखने के बाद वो देख रहे हैं कि फोकास्ट बिजनेस और डिमांड टाइप पे कहाँ कहाँ किन किन प्रोडक्ट्स में जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेफिनेटली मौजूद है, जो आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बताती है, डिफरेंट आइडियाज दे रही होती है, कैसे आप अपने विजुअल को रिलेटिव एआई या फिर एब्सोल्यूट पे देख सकते हैं, ठीक है जी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आपको यहाँ इस आर्टिकल में नजर आ रही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स फॉर द ट्री इज 50, 50 लेवल्स तक ये एक्सपेंड हो सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है। और जो विजुअलाइजेशन आपको ये वर्टिकल नज़र आ रही है इस डिकम्पोजिशन पे, इसका जो मैक्सिमम वन टाइम में ट्री शो करेगा दैट इज 5000। और आप तमाम विजुअलाइजेशंस यानी डेटा पॉइंट्स को ना दिखाएं, फॉर एग्जांपल आप हर एट्रीब्यूट में से टॉप 5 या टॉप 10 को सेलेक्ट कर लें, ताकि आप उसको अच्छी तरह से अपने कैनवास पे डिज़ाइन करके आगे प्रेजेंट कर सकें। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको डिकम्पोजिशन ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ काइंडली रिप्लाई कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू सो मच।